ये वो गुड्डा है, यहाँ से थोड़ा सा फटा भी हुआ है। उतार ले उतार, वो अटकी, वो चील के साथ अटकी। ओ खींच फ्रांस, जल्दी खींच, जल्दी खींच। मिस किया? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो यार वेलकम बैक हो गया आपका न्यू व्लॉग के अंदर। तो यार अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। तो यार आप देख सकते हो अभी मैं छत पे मौजूद हूँ, और यहाँ का मौसम तो और नहीं बताता, नहीं बताता मौसम। आप कहते हो हर व्लॉग में मौसम ये वो सब दिखाता रहता है, वेदर बताता रहता है, नहीं दिखाता। वैसे बड़ा अच्छा मौसम हुआ है यार, वेदर इतना खूबसूरत हो जाता है कि बताए बगैर रहा नहीं जाता। आजकल आपका भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी हुआ है यार, पेपर्स ख़त्म हुए हैं, मुझे लगा था पेपर्स के बाद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा, लेकिन यार ऐसा सीन नहीं बन रहा। और बाकी सब सही चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गुड्डा हमने कल पकड़ा है, काइट कहते हैं, काइट कह लेते हैं, नहीं काइट कह लेते हैं, ब्लू कलर का, बहुत ही हैवी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यार अभी मैं गुड्डे को बाहर ले, और आप देख सकते हो हवा इतनी तेज़ है कि ये खुद ब खुद उड़ ही जा रहा है। गुड्डा तो बहुत ही प्यारा है, ये फरहान ने या सनी ने पकड़ा था छत से, बहुत ही आला यार। शाम को क्या पता वो उड़ाए, मैं छत पे आ जाऊँगा अगर उसने उड़ाया। अब ये गुड्डा रख देते हैं, क्योंकि फरहान ने को पता चला ना, उसने शोर मचा देना कि मैंने गुड्डा क्यों उठाया। ये काइट अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत वापस रख दी है। फरहान देख लो मैंने रख दी है, फिर ना कहना। गांव से आगे मैं बहुत थक गया था इसलिए यार कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वायरल अब रोज़ ही डेली व्लॉगिंग करेगा आपका भाई इंशाल्लाह। रमजान भी करीब आ रहा है, इंशाल्लाह सारे रोजे रखेंगे और हर एक दिन व्लॉग्स बनाएंगे। अभी नीचे चलते हैं यार, दाल बनाई हुई है, खाना खाते हैं यार। खाना शाना खा लिया हमने, दाल बनी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार दाल थी। घर में खालिस गुड़ पड़ा हुआ है, वो मैं खाता हूँ खाना खाने के बाद, अभी वही खा रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हो, सुबह से काम लगा हूँ। तो चलते हैं फिर एकेडमी। A few minutes later. तो यार एकेडमी का टाइम स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, और छत पे माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हुआ है, और ये शहजादा गुड्डियाँ उड़ा रहा है। ये छोटा सा गुड्डा नज़र आ रहा होगा, ये गुड्डा बहुत ही बड़ा है, लेकिन फरहान ने इतना ज़्यादा ऊपर किया हुआ है, नज़र ही नहीं आ रहा। मेरे से तो नहीं उठाया जाता ये गुड्डे, कभी ट्राई नहीं किया। और ये छोटा सा स्कूल से आया, फौरन छत पे चला गया। ये जो गुड्डा आपको दिखा रहा था ना, वो अभी अंदर पड़ा हुआ है, ये रेड कलर का, ये इसने कहीं छुपाया हुआ था ताकि कोई उठाए ना। अभी दो और गुड्डे मैंने छुपाए हुए हैं। अभी दो और गुड्डे छुपाए हुए हैं तुमने? अभी उनको भी चढ़ाऊं? नहीं नहीं, अभी मैं एकेडमी जाने लगा हूं, कल कल चढ़ाएंगे। इधर पकड़ा, बहुत भारी हो रहा वो, देखे वो छोटा सा नजर आ रहा है, वो नहीं तो चीलें आ गई हैं फरहान, वो ऊपर है, इतनी ज्यादा चीलें आ गई हैं, और ये चीलें कुछ नहीं करती। ओए ओए है इसके साथ, ले ले बगड़ा। तो यार आप ये चीलें देख सकते हो, ये डोर के साथ अटक रही हैं बार बार। फरहान ध्यान से डोर ना टूट जाए और किसी चील को भी ना लगे। अच्छा तो यार अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और ये देखो इस शख्स को पहचानते हैं। मैं छत पे आया हूँ, इतनी शाम हो गई है, फिर भी फरहान गुड्डियाँ उड़ा रहा है। ये गुड्डा कहाँ से पकड़ा है फरहान? मैंने ऊपर से डोरी आ रही थी। वाह, ये दरख्त पे अटक गया था वहां से मैंने। कौन सा? ये दरख्त पे अटक गया था। हाँ। वाह फरहान यार, तुझे कहाँ से मिल जाते हैं गुड्डे? अभी देखना मैं उड़ाऊंगा। फरहान अभी काफी शाम हो गई है, रहने दो फरहान, मामा नीचे बुलानी है, चल आ जा यार, आ जाओ ना फरहान, मामा बुला रही है, देखो आवाजें भी आ रही है। ये सुबह वाला ही गुड्डा है जो मैंने आपको दिखाया था, माशाल्लाह चांद। वो गुड्डा टूट गया, जल्दी से डोर लपेट, फिर नीचे चलते हैं, मामा बुला रही हैं, इतनी शाम हो गई है। तो यार गुड्डे तो हमने छुपा के रख दिए हैं, डोर इसके नीचे रख दी है। हाँ डोर भी इधर संभाल दी है, नीचे चलते हैं फरहान, चल फरहान नीचे चलते हैं। यार अभी मैं नीचे आ गया हूँ, और फरहान साहब जुड़े हुए हैं न्याज के साथ। फरहान ये न्याज कहाँ से आई है? हमने खुद बांटी थी। खुद बांटी थी? यस। मैं एकेडमी था, मुझे तो पता ही नहीं, इधर तो होना थोड़ी। खाते ही रहते हो हर वक्त। मैं दुकान से होके आया। तो यार अभी आपके भाई ने खाना खा लिया, डिनर के बाद की मील लेने जा रहा है। आपके भाई के पास इतने पैसे हैं ना, इतने पैसे हैं, पूरी दुकान खरीद ले मिनटों में, बस आप देखते जाओ, अभी पूरी दुकान खरीद लेगा आपका भाई। 10 की टॉफियां दे दो।
दस रुपए वाली कोई बात नहीं है, ये देख सकते हो चीजें मैंने काफी ज्यादा ली है। तो यार आप लोग क्या समझते हो, मैं 10 रुपए की चीज के लिए दुकान पे जाऊंगा? नहीं यार, अब इतना भी मेरा स्टैंडर्ड गिरा हुआ नहीं है। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। करना है नहीं करना? करना है, करना है तो करना।